Hello everyone, my name is Anupriti Fulara, audiologist and speech language pathologist working at Creative Minds Lucknow. आज के सेशन में हम आपको बताएंगे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे सेशन देते हैं और हम लोग किन किन गोल्स में किन किन एरिया में हम वर्क करते हैं और साथ में हम बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे डाउट्स भी आते हैं कि एक्टिविटी हम करवाते हैं कि घर में नहीं कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कैसे टैकल करते हैं, तो वो सारा हम आपको ये सेशन में दिखाएंगे. और मैं अभी जो जो एक्टिविटीज़ मैं आपको करवाने वाली हूँ तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ. सबसे पहले मैं सेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो जनरल कॉन्वर्जेशन से मैं स्टार्ट करूँगी. कॉन्वर्जेशन करने की जो एबिलिटी होती है उसमें हेल्प मिलती है और बच्चा थोड़ा हमसे भी कनेक्ट हो पाता है और हमसे भी कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करता है. सेकेंड एक्टिविटी जो हमारी रहेगी वो WH क्वेश्चन वाली रहेगी एंड थर्ड एक्टिविटी रहेगी स्टोरी टेलिंग वाली, कि बच्चा मतलब स्टोरी को कैसे एक्सप्रेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करे, चीज़ों को कैसे नरेट करे. एंड फोर्थ हमारा रहेगा पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला, कि बच्चा पिक्चर को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है. एंड जो फिफ्थ रहेगा वो हम सेशन का एंड हम राइम के साथ करेंगे, कि बच्चा राइम बहुत इंजॉय करता है और राइम से हमें ये भी हेल्प मिलती है कि बच्चे की फ्लुएंसी में, रिदम में और जो इंटोनेशन होती है उसमें भी वो उसकी हेल्प करती है. तो अभी हम बच्चे के साथ जनरल कन्वर्सेशन करने वाले हैं. हेलो, कैसे हो? अच्छा, किसके साथ आए हो? पापा के साथ आए हो. अच्छा, मम्मा नहीं आई? अच्छा, मम्मा कहाँ है? घर पे है. अच्छा, और बहन कहाँ है? अकेले है घर पे. अच्छा अच्छा, सो रही है. अच्छा, तुम किससे आए हो? कार से आए. अच्छा, कौन सी कलर की कार है तुम्हारी? ब्लैक कलर की कार है. अच्छा, और मैं कौन सी मैम हूँ? अनुप्रीति मैम. अच्छा, और अच्छा बिहान ने क्या पहना है? क्या ब्राउन टी शर्ट. हाँ, वेरी गुड. तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी WH क्वेश्चन. तो मैं इसके थ्रू इनको WH क्वेश्चन करवाऊंगी. ये हमने मटेरियल बना रखे हैं. अच्छा चलो, ये देखो, ये क्या है? एरोप्लेन. और एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करता है? स्काई में करता है. वेरी गुड. अच्छा चलो, ये देखो, ये कौन है? शौर्य है. अच्छा, शौर्य कहाँ खेल रहा है? पार्क में. वेरी गुड. शौर्य. अच्छा, शौर्य है. नहीं, ये तो विहान है. नहीं, ये तो विहान है. अच्छा ठीक है, शौर्य है. अच्छा ठीक है, शौर्य और गर्ल क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं. स्विमिंग कर रहे हैं. हाँ, स्विमिंग कर रहे हैं. वेरी गुड. ये गर्ल ने क्या पकड़ा है? अम्ब्रेला. और गर्ल ने अम्ब्रेला क्यों पकड़ा है? क्योंकि बारिश हो रही है. वेरी गुड. ये देखो, गर्ल्स के हेड क्यों है? हाँ, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? सुई लगा रहे हैं. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा ये देखो, गर्ल हैप्पी क्यों है? हाँ, क्योंकि गर्ल को स्टार्स मिले. अच्छा सुनो, गर्ल को 2 स्टार्स क्यों मिले हैं? गर्ल ने क्या किया? गुड वर्क किया. हाँ, गुड वर्क करना है. तुम्हें भी गुड वर्क करना है ना, तो तुम्हें भी मिलेंगे 2 स्टार्स. ठीक है, चाहिए? ठीक है, मिल जाएंगे. तुम भी अच्छा काम करो, तुम्हें भी मिलेंगे 2 स्टार्स. अभी हम थर्ड एक्टिविटी करेंगे. थर्ड एक्टिविटी है हमारी स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग में हम वर्क करेंगे कि बच्चा मतलब कोशिश करे कि वो पूरी स्टोरी बता सके. जैसे अभी ये स्टोरी तो समझ जाते हैं, बट अभी उसको एक्सप्रेस करना, अभी हम मेनली हम उसमें वर्क कर रहे हैं. चलो ठीक है. हाँ, कौन सी स्टोरी करेंगे हम? लायन एंड द माउस. क्या था? एक बहुत बड़ा क्या था? जंगल था. क्या था? चिंगचा.
बहुत बड़ा जंगल था। और जंगल में कौन रहता था? लायन रहता था। ये मैम क्या बना रही है? लायन। ये देखो लायन के टीथ, और ये देखो लायन की मूंछ, लायन के ईयर्स, लायन के हेयर्स। कौन रहता था? लायन रहता था। फिर एक दिन जंगल में कौन आया? हंटर। हंटर आया। ये कौन है? हंटर। ये कौन है बेटा? हंटर है। हंटर है। और हंटर के पास क्या था? नेट। एक बहुत बड़ा नेट था। फिर हंटर ने क्या किया? नेट से लायन को पकड़ लिया। और फिर उसके बाद जब लायन को पकड़ा तो लायन क्या हो गया था? सैड हो गया था और रोने लगा। फिर लायन ने क्या बोला? हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। क्या बोला लायन ने? क्या बोला लायन ने? बोलो बेटा क्या बोला? मेरी हेल्प करो। हाँ, फिर लायन की हेल्प करने कौन आया? चूहा। चूहा आया। ये कौन है? चूहा आया। अच्छा, चूहे ने कैसे हेल्प करी लायन की? क्या किया चूहे ने? कट किया। क्या कट किया? नेट को कट किया। अच्छा ठीक है, चूहे ने लायन का नेट कट कर दिया। चलो ये क्या किया लायन? कट कर दिया, कट 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 कट। फिर उसके बाद लायन क्या हो गया था? हैप्पी हो गया था। अच्छा तुम सुनाओगे एक बार स्टोरी? चलो सुनाओ क्या हुआ था। एक जंगल था, लायन था। हाँ, जंगल में लायन रहता था। फिर एक हंटर आया। फिर हंटर के पास क्या था? नेट। फिर क्या हुआ? लायन को सेट हो लिया। हाँ, लायन को पकड़ लिया। फिर लायन क्या हो गया था? सेट। फिर क्या हुआ? उसके बाद कौन आया? चूहा। फिर चूहे ने क्या किया? कट किया। नेट को कट कर दिया। फिर लायन हैप्पी हो गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? लायन एंड माउस फ्रेंड्स बन गए। ओके, वेरी गुड। चलो हाई थैंक यू तुम मैम को। अभी हमारी फोर्थ एक्टिविटी है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। इसकी हेल्प के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को हम जो भी पिक्चर दे रहे हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए और नरेट कर पाए। ये देखो ये क्या है? फार्म। और फार्म में कौन रहते हैं? काउ। हाँ, और कौन कौन एनिमल्स रहते हैं? सारे एनिमल्स के लिए बताओ। हॉर्स, शीप, वेरी गुड, चिक, वेरी गुड। देखो हाँ, और देखो कौन कौन से एनिमल्स है? पिग, हैन, और डॉग। अच्छा ये देखो, ये अंकल क्या कर रहे हैं? हाँ, न्यूज़पेपर बोलो। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और अच्छा ये देखो टेबल में क्या क्या रखा है? देखो एग, वेरी गुड। फिफ्थ एक्टिविटी है वो राइम्स है। राइम्स के थ्रू थोड़ा सा फन एक्टिविटी रहती है। इनको राइम्स वगैरह काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और राइम्स के थ्रू हमारी फ्लुएंसी में, इंटोनेशन में काफी हेल्प करती है और बच्चों का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा बूस्टअप भी होता है राइम्स के थ्रू। शी निराला वाला
लंबी लंबी मूछो वाला तेज नुकीले दांतों वाला सबका दिल दहलाने वाला हटो हटो आया शेर भागो भागो आया शेर आया कौन है शेर आया। अच्छा सुनो, वन टू बकल मैं शू करे या फिर पॉइंट टू द विंडो वाली करनी है, बताओ कौन सी करोगे? वन टू वाली करोगे? चलो वन टू बकल में शू, थ्री फोर नॉक द डोर हाँ, फाइव सिक्स पिक अप द स्टिक्स, हाँ देम स्ट्रेट, and 10 a big fat hand, pop 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 pop. Chalo, very good. Chalo, class over. Bye bye ma'am. Acha Shunu, kiske paas jaoge? papa ke paas jaoge. Acha theek hai. Acha kisse jaoge papa ke sath? kaashi jaoge. Chalo bol do bye bye. bye bye to aaj ka ye hamara session tha. हमारे जो मेन गोल रहता है कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो नियर एज विद इन एम्पेयरमेंट हम अचीव करवाए, और उस गोल को अचीव करवाने के लिए हम स्टेप वाइज काम करते हैं, हम शॉर्ट टर्म गोल्स लेते हैं। तो आज जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ करवाई थी, जो भी हमने उसमें जो गोल्स लिए थे वो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स थे। तो इन गोल्स को अचीव करने के बाद आगे बच्चे को जो कम्युनिकेट करने में और जो उसकी प्रैग्मेटिक स्किल्स हैं वो सारी बच्चे की डेवलप होगी, जिससे कि बाहर जाके वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपको कुछ और भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। मैं अनुकृति फुलारा, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्रिएटिव माइंड्स, लखनऊ। थैंक यू।